तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं शत्रुघ्न बाबा एक बार फिर से बेजुबान जीव को बचाते हुए। आज काफी तेज ठंड है और सुबह सुबह का समय है। सिवान जिले के हुसैनगंज ब्लॉक के छपिया बुजुर्ग में एक कुएं में सांप गिरा हुआ है और सुबह सुबह का समय हम लोग चले आए हैं और चलिए चल के देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफी बड़ा साइज का एक कोबरा सांप है और ये कुआं में गिरा हुआ है। ये बात बताइए लोग, इस कुआं में इतना पानी, मतलब अरे पहले तो ना बरसात की वजह से आया है, बारिश का पानी, मतलब बाहर से इधर से जाता है, बाहर का पानी है, नीचे डाटा नहीं है, है ना, मतलब डाटा नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस कुआं में इधर की तरफ जो है खोखला है और सांप इधर से गया है, ज्यादा मोटा खोखला है, उसी के माध्यम से सांप गया है। गहिर भाई दोस्तों फाइनली सांप हम लोग बाहर निकाल दिए हैं और चलिए और काफी तेज ठंड है और ये सांप काफी सुस्त हो गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा आग जला के इसको जो है गर्मी देंगे ताकि यह जो है एक्टिव हो जाएगा और फिर इसको ले जाकर दूर जंगल में हम लोग छोड़ देंगे। एक बार फिर से बता दें कि ये एक गेहुअन सांप है। तो दोस्तों ये सांप काफी जहरीला होता है, अगर ये सांप काट ले तो तुरंत हमें हॉस्पिटल का सहारा लेना है। और चलिए थोड़ा सा कपड़ा मांगे ना भैया। और दोस्तों जैसा कि बता दे कि जैसा कि सांप कब का दिखा गया भैया, कल दोपहर से है। जैसा कि आपको बता दे कि ये सांप कल ही का दिखा गया है और कल ही मेरे पास फोन आया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफी चाहेंगे कि कल हम नहीं आ पाए, क्योंकि हम आप लोगों को बता दें कि सरस्वती पूजा चल रहा है और कल हम पूजा में बिजी थे, दिन भर पूजा में बिजी थे। कुछ कोई भैया बोले कि भाई सर आप जल्दी आ जाइए, बाबा आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो इस सांप को मार देंगे। तो हम बोले कि हम 3 बजे आएंगे, लेकिन भैया कल हम झूठ बोले, कहे कि हमारे पास कल समय नहीं था। झूठ इसलिए बोले ताकि लोग घबराएंगे नहीं और सांप को मारेंगे नहीं। 3 बजे तक लोग वेट किए, फिर हम बोले कि सर हम शाम तक आएंगे, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिल पाया। तो इसके लिए आप लोगों से माफी चाहेंगे, है ना। पूजा पाठ में समझे कि कल विजित है और चलिए इस सांप की जान तो बच गई और
और चलिए इसको हम थोड़ा सा कपड़ा आगे है ना, दीजिए कपड़ा दीजिए तो। गला नहीं है सर, बहुत एक्टिव है ये सांप। हाँ थोड़ा सा देखिए काफी तेज ठंड है और थोड़ा सा अब हम लोग इसको आग जला के थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, गर्मी देंगे ताकि ये सांप मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल हल्का जून से निकलते सर वो यह सांप अब एक्टिव होने लगा है। देखिए अब काटने का प्रयास कर रहा है। अच्छा चलिए भाई, आपका जान बचाने के लिए हम लोग आए हैं। चलिए अब इस सांप को हम लोग डिब्बे में रखेंगे और फिर इसको ले जाकर दूर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब इस सांप को हम लोग डिब्बे में रख लिए और इसको ले जाके धूप निकलेगा तो अभी धूप में रखेंगे, उसके बाद मौसम सही होगा तभी सांप को छोड़ेंगे। तो इस सांप का अभी सेहत उतना ठीक नहीं है, अभी इसको ले जाके छोड़ देंगे ना तो मर जाएगा। हम लोग को मतलब इसको पकड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, कहाँ कभी कहाँ जाएगा, अभी इसको कोई जानकारी नहीं रहेगा कि कहाँ हमारे लिए रहने के लिए जगह है। और धूप होगा तो धूप में छोड़ेंगे, इसका शरीर पूरा एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद ये अपना जगह खोज लेगा। तो दोस्तों हम लोग इस सांप को छोड़ने के लिए आ चुके हैं और दोस्तों बता दें कि काफी अच्छा धूप निकला हुआ है। तो दोस्तों आइए इस सांप को हम लोग छोड़ देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफी गुस्से में, और देख सकते हैं दोस्तों ये सांप काफी एक्टिव हो गया है और काफी अच्छा लगा कि इस सांप की जान बची, नहीं तो ये सांप उसमें कुछ भी हो सकता था। और आइए इसको छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस सांप को हम लोग छोड़ दिए हुए हैं और यह सांप धीरे धीरे अपने नए जीवन के लिए निकल जा रहा है। तो दोस्तों इस सांप को फाइनली हम लोग छोड़ दिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस सांप की जान बचाने में वहाँ के सब लोगों की एक अहम भूमिका रही। और दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि सरस्वती पूजा का समय चल रहा है और आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और सब लोग आगे बढ़िए। और दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए अंदाज के साथ अच्छे जानकारी वाले अगले वीडियो में। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, प्रणाम।